हेलो साथियों, दक्षिण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जेएसएससी सीजीएल में खोटा के सिलेबस में जो नया चेंज हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो आज ही हुआ है, मतलब 8/2/2022 को ये चेंज हुआ है, ठीक है। अभी से मतलब कुछ देर पहले ये बदलाव आया है, ठीक है। और इसमें नया ये किया गया है कि फिर से पुराने वाले सिलेबस को वापस ले आया गया है, और इसके साथ साथ व्याकरण का भाग को भी जोड़ दिया गया है। जो नया सिलेबस जो लाया गया था कि सिलेबस को छोटा कर दिया गया था, उसे अब फिर से पुराने वाले सिलेबस जो बड़ा सिलेबस था उसी को दोबारा लागू किया गया है। एक तो बड़ा वो था ही, उसके साथ ग्रामर को फिर अलग से जोड़ दिया गया है, और इससे सिलेबस और ज़्यादा बड़ा हो गया खोटा का, ठीक है। तो देखिए, अब इसके लिए भी अब मांग चलेगा घटाने का, तो देखिए तब होता क्या है। लेकिन चूंकि नया सिलेबस है तो वो तो जान लीजिए पहले, ठीक है। तो है कि जो व्याकरण में जो जोड़ा गया है तो उसमें खोटा का संज्ञा जोड़ा गया है, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास और उपसर्ग, ये सभी व्याकरण पाठ में जोड़े गए हैं, ठीक है। फिर से देखिए, खोटा का संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास और उपसर्ग, ये इतना सारा व्याकरण पाठ में जोड़ा गया है। बाकी जो पहले सिलेबस में था वही है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, क्योंकि लगेगा कि कहीं कुछ थोड़ा सा बदल गया या क्या है, तो मैं फिर से टोटली पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो खोटा का जो गद्य भाग है उसमें है जो छाइंजर कहानी संग्रह है तो वो है, फिर सोनमाटी कहानी संग्रह ये भी है, और खोटा निबंध जो बी एन ओदार जी के था तो वो भी है, मतलब गद्य भाग में। फिर पद्य भाग में तो दामोदर क्वाएं वो कंटिन्यू कर रहा है, आंखिक गीत जो कि श्रीनिवास पानूरी जी का है, नहीं निरंजन, हाँ श्रीनिवास पानूरी जी का है, वो भी कंटिन्यू कर रहा है। फिर खोटा कोट पेदे खेड़ी, यहाँ पे खेड़ी लिखा हुआ है जो एक ही झा का बताया गया है, लेकिन नाम में थोड़ा सिलेबस में गड़बड़ है, तो नाम बेसिक इसका है तो खोटा काटें पेदे खंडी, तो इसका ये एक्चुअल नाम है खोटा काटें पेदे खंडी, जो कि एक ही झा जी लिखे थे ये बुक, ठीक है। तो सिलेबस में नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो उसे मैं सुधार दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद एक मौनी फूल, तो ये दामोदर कौन है, आंखी गीत, खोटा काट है पैदा खंडी, और उसके बाद चौथा है एक मौनी फूल, ये चार है जो कि आपको पद्य भाग में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा नाटक में है कि डा है, अजगर है, चाबी काटी है और उद्वासल कर्ण है, ठीक है। और लास्ट में साहित्य की अन्य विधाएं में है तो संस्मरण, जीवनी, यात्रा वितांत और शब्दचित्र, ठीक है। तो ये तो टोटल पुराने सिलेबस में था ही, नया कोई जुड़ा है जो ग्रामर वाला पोर्शन है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो तो लास्ट ये कंक्लूजन यही है कि पहले सिलेबस से काफ़ी बड़ा था, अब एक ही और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, तो दिक्कत तो काफ़ी बढ़ गया है। तो देखिए अब क्या हो सकता है वैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स डिमांड तो कर रहे हैं कम से कम इसके बारे में, ठीक है। और जो ज़्यादा डिटेल अगर जानना है तो जेएसएससी के साइट पे आप लोग देख सकते हैं, जेएसएससी में बस एक पेज का है, डाउनलोड कीजिएगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।